आउज़ु बिल्लाह मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ फिजिक्स के प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट शेयर करूंगा। 11th क्लास और 12th क्लास के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स आपके साथ शेयर करने लगा हूं। बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी और मगरिब की अजान भी होने वाली है, हमारी मस्जिद में भी नहीं हुई, तो जल्दी से वीडियो एंड करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, मौसम अच्छा था वरना नीचे तो गर्मी में वीडियो ही नहीं बनती। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपके 11th के एक्सपेरिमेंट हैं, इसमें आपके 25 एक्सपेरिमेंट हैं जिसमें आपके इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट हैं आपके साथ, वो शेयर करने लगा हूँ। आपने 1 वाला कर लेना है, 2 वाला कर लेना है, 3rd कर लेना है, 4th कर लेना है, इसके साथ साथ आपने 6th वाला कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 10th वाला कर लेना है, उसके साथ साथ आपने 13 का ए बी पार्ट आपने दोनों कर लेना है साउंड में। ठीक है, साउंड में ये दो कर लें और मैकेनिक्स में आपके पास निशान लगे हुए हैं इंपॉर्टेंट पे, पहला, दूसरा, चौथा, छठा और 10वां कर लेना है। उसके बाद लाइट में आपने करना है 16 का ए बी कर लेना है और उसके बाद 19 इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपके पास हीट आती है, हीट का आपने 24 वाला कर लेना है, बाकी सारे आप स्किप कर सकते हैं। तकरीबन 10 प्रैक्टिकल मैंने आपको बताए 11th क्लास के। अब हम लोग चलते हैं 12th क्लास के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की तरफ, न्यूमेरिकल्स कह रहा हूँ प्रैक्टिकल्स। ठीक है, जैसे अभी आगे 12th क्लास के, 12th क्लास में आपने ये करना है, पहला करना है, दूसरा करना है, छठा करना है, 8वां करना है, 11वां करना है, 17वां करना है, और ये जो टेबल है ना नैंड गेट का और लॉजिक गेट का, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 21 वाला इंपॉर्टेंट है और 23 वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तकरीबन 10 से इसके इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताए हैं प्रैक्टिकल्स, तो बाकी सारे आप लोग स्किप कर सकते हैं। और इनका प्रोसीजर क्या होता है लिखने का, काफ़ी सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे इंपॉर्टेंट, तो मैंने आपके साथ 11 12 के शेयर कर लिए हैं। अगर आप ये कर लेंगे तो आपका पेपर हो जाएगा। देखें बच्चे, देखें जैसे एक एक्सपेरिमेंट हमारे पास, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, इसी तरह आपने ऊपर ये आपको लिखी हुआ आएगा वर्नियर कैलिपर वाला और स्क्रू गेज वाला, तो वैसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल ही पेपर में रिपीट होता है। तो आपने इसकी जो ऑब्जर्वेशन होती है वो लिखना होता है, इसका फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिख के आपने इसको फाइंड करना होता है। पहले आपने ऊपर लिखनी है ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन की हेडिंग देनी है, फिर उसको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, जो भी लिस्ट कैलकुलेशन होगी उसकी, उसका फॉर्मूला लगा के उसका आंसर निकालना है। फिर आपने सारा टेबल बनाना है, इसको अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है तो आप इसको टेबल को बना सकेंगे। फिर आपने प्रोसीजर की हेडिंग देख के उसमें जो जो आपने किया है स्टेप्स, उसमें आपने वो लिखने होंगे। ठीक हो गया, और इसी तरह आपने ये सारा, यहाँ पे 2 टेबल थे इसके, एक टेबल ये है और एक टेबल पीछे है। इसी तरह आपने इसका, इसकी डायग्राम भी मस्त बनानी है। ठीक है, ये देखें हमारे जो सर थे उन्होंने ये, मैंने डायग्राम खुद बनाई हुई है तो कितनी खूबसूरत लग रही है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में डायग्राम भी आप बना सकते हैं अगर आपको बनानी आती है तो। ठीक हो गया, इस तरह आपका प्रैक्टिकल आपने सॉल्व करना है प्रोसीजर का। और ये रही आपका, यहाँ तक आपके 7 स्टेप्स हैं इसके, तो आपने सारे स्टेप्स को अच्छे तरीके से कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए बायोलॉजी और केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट आपको प्रैक्टिकल्स बता दूँ। तो मेरी तरफ सब सबको बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अजानें स्टार्ट होने वाली हैं हमारी मस्जिद में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।